लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। बता दें कि 2018 में एक्ट को लेकर जिस तरह सरकार ने मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी का सवर्ण वर्ग के लिए बड़ा फैसला। कैबिनेट का फैसला, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 50% आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा ये आरक्षण। इसके लिए संविधान संशोधन कल लोकसभा में लाएगी सरकार। संविधान की धारा 15-16 में बदलाव होगा। संशोधन धारा 15 के तहत शिक्षा संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। धारा 16 के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर आदि को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि सामान्य वर्ग में जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख और जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन हो, ऐसे लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण मिलेगा। यह पहले के 50% से अलग होगा। इसकी मांग बहुत समय से चल रही थी। इसमें सभी सवर्ण समाज, ब्राह्मण, बनिया, इसके अलावा ईसाई और मुस्लिम भी आएंगे। इस पर काफी समय से काम कर रहे थे। तेरा